तेज रफ्तार थ्रिल तो देती है लेकिन जिंदगियों को असमय छीन भी लेती है। जमानिया कोतवाली क्षेत्र के मंझरिया गांव के पास मलमास के अंतिम दिन ऐसा ही हुआ। दो महिलाएं और एक किशोरी गंगा स्नान करने जा रही थी। उनको क्या पता था कि रास्ते में उनका काल मिलने वाला है। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक काल बनकर ही आया। ट्रक ने तीनों को टक्कर मार दी। महिलाओं और किशोरियों सहित चार गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया। दुर्घटना के बाद ट्रक धूरा में फंस गया। ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा और ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर गाजीपुर जवनिया हाईवे मार्ग को जाम कर दिया। एसडीएम के आश्वासन पर 3 घंटे बाद जाम समाप्त हुआ। मंझरिया गांव निवासी 55 साल की ज्योति देवी, 15 वर्षीय किरण यादव, 40 वर्षीय मीरा देवी, 15 वर्षीय अंजलि कुमारी, 18 वर्षीय मौसम, 54 वर्षीय भागवनी, 45 वर्षीय राधिका देवी मलमास के अंतिम दिन गंगा स्नान करने जा रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 5 बजे पीछे से आ रहे तेज रफ्तार गिट्टी लदे बेकाबू ट्रक ने सभी को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे धूरा में फंस गए। ट्रक के कुचलने से ज्योति देवी, किरण और मीरा देवी की मौके पर जान चली गई। घटना की जानकारी होते ही ग्रामीण मौके की तरफ दौड़ पड़े, ट्रक चालक को पकड़ लिया। जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में घायल अंजलि, मौसम, राधिका और भागमनी को जिला अस्पताल लाया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा और ब्रेकर की मांग को लेकर गाजीपुर जमानिया हाईवे मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी होते ही जमानिया कोतवाली राजीव कुमार सिंह, दिलदार नगर, सुहवल और नगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। जाम समाप्त कराने के लिए ग्रामीणों से वार्ता का प्रयास करने लगे लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। मेरा नाम बालेश्वर कुमार है, कहाँ के निवासी है? ग्राम सभा मंझरिया के रहने वाले हैं और ये घटना जो है 5:15 में हुई। ये औरतें जा रही थी गांव की अमावस्या नहाने हेतु गंगा जी, और साइड में खड़ा होकर के एक औरत का वेट कर रही थी जो गांव से आने वाली थी। तब तक ये ट्रक वाला आता है और सो गया या क्या कर रहा था उस टाइम तो नहीं पता चला, लेकिन इन लोगों को एकदम दरमिश्ते हुए इन लोगों को कवर में ले लिया और ले करके पूरा एक्सीडेंट करते हुए आगे बढ़ गया। सूचना पर जमानिया एसडीएम सत्यप्रिय सिंह, सीओ सुरेश शर्मा, तहसीलदार आलोक कुमार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को शासन से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इस पर 3 घंटे बाद 8 बजे जाम समाप्त हुआ। पुलिस ने शवों के साथ ही ट्रक सहित चालक को हिरासत में लेकर कोतवाली लेकर आ गई। इस संबंध में कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि रामानंद यादव ने घटना की तहरीर दी, इसके आधार पर ही मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं रंगीश यादव, ग्राम प्रधान निधि मत्सा। बड़ी दुखद घटना हुई है जो आज मंझरिया ग्राम सभा में महिलाओं को NH-24 पर ट्रक ओवरलोडिंग जो है जमानिया सादराजा से गाजीपुर जा रहा था, जिसमें 4 महिलाएं मृत हो गईं और 4-5 जो बच्चियां घायल हैं, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और हम लोग जो है SDM महोदय से मांग किए कि जो ओवरलोड ट्रकें चल रहे हैं उस पर प्रशासन द्वारा रोक लगाया जाए और 3:00 से 5:00 तक सुबह जो है नो एंट्री लगाया जाए और शाम को 5:00 से 9:00 तक नो एंट्री लगाया जाए, क्योंकि NH-24 पर इतना जाम हो रहा है और जाम के चलते ये घटना दुर्घटना हुई है। इसका जो है सारा जो है प्रशासन जुकवार है। जो घटना आए दिन सड़कों पर हो रही है और जो परिवार पीड़ित है, जिसके परिवार उजड़ गया, उसके लिए हम लोग मांग किए हैं शासन से कि माननीय SDM महोदय जी तत्काल जो है व्यवस्था, आर्थिक सहायता दें और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग हर पीड़ित परिवार को मरे हुए 20-20 लाख का जो है मुआवजा का मांग किया गया है, जिसको माननीय SDM महोदय द्वारा स्वीकार किया गया सबके समकक्ष में। और जो महिला है उसके बच्चे छोटे हैं, गांव सभा का एक प्रस्ताव लगाकर लेखपाल और प्रधान द्वारा तत्काल उसे जमीन उपलब्ध कराया जाए और सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।